किस तरह की कार्रवाई की गई है? हाँ, एक पन्नीग्राम चौक के अंदर मोहम्मद हुसैन के नाम से बिल्डिंग थी, उनके द्वारा वो बिल्डिंग उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिए, उन्होंने वो बिल्डिंग बेच दी गुरमीत कौर को। गुरमीत कौर को भी नोटिस दिया गया था। उन्होंने जब प्रथम नोटिस दिया गया, उन्होंने कहा मैं दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगी, लेकिन सुनवाई का जब नोटिस जारी किया गया तो वो उपस्थित नहीं है और कोई भी नोटिस उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। तो आज उस बिल्डिंग G+5 जो निर्मित थी पन्नीग्राम चौक में, उसको सीज कर दिया गया है। दूसरी ये कार्रवाई है पन्नीग्राम चौक, ये G+2 का आवासीय स्वीकृत है दीपक जी के नाम से, जिसके विरुद्ध G+5 कॉमर्शियल बना हुआ है, तो उसे आज सीज किया जा रहा है। कितनी मंजिलें इमारत की? G+5 है और G+2 आवासीय स्वीकृत था और व्यावसायिक निर्माण है, इसलिए आज इसको सीज किया जा रहा है। दूसरी बिल्डिंग जी, इसी की बता रहा हूँ। ठीक, फिर मट्टा गली।